गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी 9 करेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट है ड्राइंग। ड्राइंग में हम आपको थंब इम्प्रेशन सिखाएंगे। थंब यानी अंगूठे के इम्प्रेशन। हम अपने थंब को ये ऐसे वाटर कलर अलग अलग तरह के उनमें एक डिप करेंगे ऐसे और इम्प्रेशन लगाएंगे। उसके बाद हम उसकी कुछ ड्राइंग बनाएंगे अलग अलग तरह की। जैसे सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर में, ये जैसे ऐसे कलर होते हैं, इसमें आप अपने थंब को डिप करेंगे। ये थोड़ा सा हमने इसको लगाया, उसके बाद ऐसे करके और हम इस पे इम्प्रेशन लगा देंगे। ये हमारा थंब इम्प्रेशन ग्रीन कलर का हुआ। उसके बाद हम ऐसे करके अलग अलग तरह के लगाएंगे अलग अलग कलर में डिप करके अपने थंब को। उसके बाद ये जैसे हमने ब्लू कलर में डिप किया तो ये हमारा ब्लू कलर का आ गया। उसके बाद फिर से अलग कलर में डिप करेंगे किसी में। उसके बाद जैसे ये, उसके बाद हमने इस वाले कलर में इसको डिप किया और ये हमारा एक इम्प्रेशन ये लगा। ऐसे कर करके हम अलग अलग कलर के इम्प्रेशन अलग अलग जगह, ये देखिए, एक बार में हम एक बार डिप करके दो जगह इम्प्रेशन भी लगा सकते हैं। हम अलग अलग कलर यूज करेंगे। जैसे देखिए, उसके बाद इसका एक इम्प्रेशन और इधर लगा दिया। एक बार में डिप करके हम दो जगह इम्प्रेशन लगा सकते हैं। ये लगाया हमने ऐसे, उसके बाद एक ये ऐसे लगा दिया, इसी का दो जगह इम्प्रेशन बन गया। एक हमने ये यहां पे लगाया। एक और लगा देंगे अलग कलर का। एक यहां लगा दिया ऐसे। और उसके बाद एक हमने ऐसे ये लगा दिया। इस तरह से हमने करके ये थंब इम्प्रेशन लगाए हैं। के बाद हम इनको कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, इनको कोई भी थोड़ा सा सूखने देंगे, सूखने का इंतजार करेंगे और इसकी हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे। जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये सूखेगा, इसके बाद हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे। पहले इसके ऊपर के आउटलाइन कर लेते हैं, किसकी कैसे करेंगे हम। जैसे ये इसके हम इधर ईयर बना देते हैं साइड में। ये ऐसे करके हमने इसके ईयर बना दिए हैं। फिर इसके पैर बनाएंगे हम। ये हमने इसके पैर बना दिए। और जब ये इसके अंदर का सूख जाएगा तो हम इसके अंदर आईज, इसकी आंखें और
इसके लिप्स बनाएंगे। अब इस नेक्स्ट वाले में हम कुछ और शेप बनाएंगे, कुछ और ड्राइंग बनाएंगे, जैसे हम ये कुछ फ्लाई टाइप बना देते हैं, ये पैर बनाए ऐसे, और ऊपर से हाथ बना देंगे। मक्खी जैसा ये कुछ बन जाएगा, ये इसकी आई इधर बनेगी, एक इधर, एक इधर। इसके अंदर हम कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी आई ऊपर बन चुकी है। अब इस वाले में हम बनाएंगे, ये देखिए ऊपर फेस बना देंगे, इधर आईज बना दिए हमने। उसके बाद ये जैसे बादल के कुछ बारिश के जैसा, बूंदों के जैसा बना देते हैं हम इसको। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने पसंद के अनुसार कोई भी शेप बना सकते हैं। अब इस वाले को हम जैसे बिल्ली का वो देंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए पहले हम इसकी यहाँ पे हमने पूंछ बना दी है, उसके बाद हम इसके पैर बना देते हैं, ओके। उसके बाद हम इसके कान बना देते हैं, एक कान और ये दूसरा कान, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जब ये सूख जाएगा तो हम इसकी आंखें बनाएंगे और इधर इसकी मूंछें हो जाएंगी ऐसी। हल्का सा सूख जाएगा तब हम इसको अंदर से पूरा करेंगे। इसको हम बनाते हैं तितली के जैसा बना देते हैं, ये इसका वो हो गया तितली के पाइप जो होते हैं। इसके बाद इसमें हम दो इंप्रेशन और लगाएंगे इसके पंख बनाने के लिए। तो हमने फिर से डिप किया और इसका एक पंख इधर बनाया हमने तितली का, और एक पंख इधर बना देंगे, ये हमारे तितली के पंख बन गए हैं। उसके बाद जब ये सूख जाएगा कलर, तो इसके अंदर हम डेकोरेशन कर लेंगे इसके कलर की, और इसके अंदर भी करेंगे और तितली की आंखें भी बनाएंगे। इसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद ये हम लॉयन फेस बनाएंगे, ये ईयर बना दिए हमने उसके कान, और उसके बाद नीचे पैर बना देंगे। इसके बाद ये सूख जाएगा तब हम इसका फेस बनाएंगे अंदर, तब तक इसकी हम मूंछें ड्रॉ कर देते हैं। ये सूखने के बाद इसकी अंदर का फेस बनेगा, ये लोयन फेस हो गया। उसके बाद इसमें हम इसमें भी कोई ड्राइंग बना देते हैं, जैसे ये पैर हो गए, उसके बाद ये हाथ बना देंगे, एक हाथ इधर बना दिया ऐसे। उसके बाद हम ऊपर इसका यहाँ पे हैट बना देंगे इसको, एक तरह से जैसे हैट होता है। और जब ये सूख जाएगा तो इसके अंदर का हम फेस पूरा करेंगे आंखें बना के। अब ये हम शिप जैसा बना देंगे कुछ, जैसे ये उसका शरीर हो गया, यहाँ पैर हो जाएंगे, ये पैर हो गए, ये आगे वाले पैर हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसकी आंखें बन जाएगी जब ये सूख जाएगा, और ये उसका मुंह है तो इसके मुंह के अंदर का हो जाएगा, और उसके बाद ये ऐसे, और पीछे पूंछ बना देते हैं।
ये पीछे उसकी पूंछ बन गई। इसके बाद जब तक ये हमारा अंदर का थोड़ा सूखेगा नहीं तब तक हम इसका थोड़ा वेट करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर का आंखें वगैरह ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। और आपको क्या करना है, ये आपको ऐसे ही पीछे एक प्लेन शीट लेनी है वाइट कलर की, या कोई भी कलर आप ले सकते हो, और कलर में आपको डिप करके अपने थंब को ऐसे इंप्रेशन लगाने हैं। अगर आपके पास अलग अलग कलर नहीं है तो आप एक ही कलर के भी लगा सकते हो। और अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से आप कोई भी उसकी बिल्ली चूहा कोई भी, या कोई भी शेप ड्राइंग आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद हम ये सूखने के बाद इनकी अंदर की आंखें ड्रॉ करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमने जो सुखाया, जो थंब इम्प्रेशन हमने बनाया है, उसके बाद हम इनके इसके अंदर का पूरा कर देंगे। जैसे ये वाला है इसमें हम इसकी आईज बना देंगे, उसका फेस बना देंगे। आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये हमारा पूरा था और ये वाला भी पूरा था। ये इसमें हम इसका फेस बनाएंगे, ये आंखें, इसके बाद मुंह, इसके बाद ये हमने इसकी छोटी छोटी मूछें पूरी कर ली। ठीक है, इसके बाद हम बटरफ्लाई को पूरा करेंगे, बटरफ्लाई की आंखें, उसके बाद इसका ऐसे ऐसे थोड़ा डिजाइन कर देंगे, इसके पंखों में भी अंदर थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे ऐसे करके कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, अलग अलग कलर से भी इम्प्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद लोयन फेस जो हमने बनाया था, ये स्लीपिंग लोयन है, सो रहा है, ऐसे आंखें इसकी हमने की। उसके बाद इसका मुंह बनाएंगे, ठीक है। आप जागता हुआ लोइन भी बना सकते हो, जरूरी है आप स्लीपिंग लोइन ही बनाए। उसके बाद इसकी हम आईज बनाएंगे, और ये इसका हमने फेस बना दिया। तो ये हमारा एक फनी ड्राइंग ये वाली कंप्लीट हुई। उसके बाद इसको पूरा करेंगे, ये जो हमारी शेप है इसकी आईज बना दी, इसका ऐसे बना देंगे। तो ये देखिए हमने अलग अलग तरह की थंब इम्प्रेशन से कितनी अच्छी ड्राइंग बन जाती है। तो आप भी थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, प्लेन पेपर लेके कोई भी कलर का, और अगर आपके पास अलग कलर नहीं एक कलर लेके आप कोई भी कलर आपके घर में अवेलेबल हो, और फिर उससे आप ड्राइंग बनाएंगे। थैंक यू।